समाचार में आगळ बात करिए तो वडोदरानी अंदर पण कोरोनाने लईने समाचार मळी रह्या छे कि ज्यां रेमडेसिविर इंजेक्शन ने लईने समाचारो मळी रह्या छे। इंजेक्शन ना पुरवठाने लईने घटस्फोट सामे आव्यो छे। वडोदराना रिटेलर पासे पहोंचता ज नथी आ इंजेक्शन, तो आ मोटो घटस्फोट छे ते सामे आव्यो छे। मानिता रिटेलरोने बारोबार ज इंजेक्शन छे ते पधरावी देवामां आवे छे। वडोदराना रिटेलर द्वारा आ गंभीर आक्षेपो छे ते करवामां आव्या छे। तो जी रीते आ समाचार मिली रहा है, केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन सामे पण आ सवालों छे ते उठी रहा है। जी रीते रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरियात पड़े त्यारे वडोदरा रेमडेसिविर इंजेक्शन पुरवठा ने लईने एक घटस्फोट थयो छे। वडोदरा नी अंदर रिटेलर पासे रेमडेसिविर इंजेक्शन पहोंचता ज नथी। मानिता रिटेलरों ने बारोबार आ इंजेक्शन छे ते पधरावी देवाय छे। हकीकत एवी छे कि छेल्ला एक वर्षमां अमारा 90% रिटेल मित्रों ने आ इंजेक्शन के एनु पेकिंग पण जोवा नथी मळ्युं। आ सदंतर अमारा रिटेल मित्रोनी छाप खराब बगड़े ए बाबतनो एक पुरवार थवा जई रह्यो छे। हवे अमे स्पष्ट मार्क करीए छीए कि दर अठवाडिये अमारा प्रमुखश्री दरेक रिटेलर स्टोरने 24 इंजेक्शन वेचवा आपे। एक ए भावे अमे रिटेल मित्रों वेचवा तैयार छे, परंतु तमे जो 1400 रिटेलर स्टोर ने पत्र लख्यो छे अने वाहवाही करो छो तमारी, तो हवे अमने दर अठवाडिये मेक्सिमम इंजेक्शन वेचवा मळे एवी अमारो पूरो रिटेलर मित्रों तरफथी हुं आग्रह राखुं छुं। हा, साथे एवुं पण बने छे के एमना मानिता स्टॉकिस्ट ने त्यां माल आवे छे, साथे साथे मानिता रिटेल मित्रों तरफथी ए लोको जोडेथी ज वेचावडावामां आवे छे। आवुं मारुं स्पष्ट मानवुं छे, अने जो एवुं न होय तो हुं खुल्ली चेलेन्ज आपुं छुं के तमे एना आंकड़ा जाहेर करे अने वडोदराणी कई कई दिशामां केटला मेडिकल स्टोरमां अने वारंवार केटला रेमडेसिविर इंजेक्शनो तमे प्रोवाइड कर्या छे, टोसिलिझુમેબ इंजेक्शन प्रोवाइड कर्या छे ए जाहेर करे। तो संवाददाता अमित ठाकुर जोड़ाई चुक्या छे। जी अमित, जे रीते आ विगतो सामे आवी रही छे के रेमडेसिविर इंजेक्शन ने बारोबार ज पधरावी देवामां आवी रह्या छे, रिटेलरो सुधी नथी पहोंचता, शुं छे विगतो? जी अमित, आ इंजेक्शन बारोबार पधरावी देवामां आवे छे ते प्रकारनो मामलो सामे आव्यो छे, रिटेलर सुधी रेमडेसिविर इंजेक्शन नथी पहोंचता, शुं छे विगतो? जो थोड़ा समय पहला वडोदरा में भी बूम उठी थी कि रेमडेसिविर जे इंजेक्शन छे तेनी काळा बजारी थई रही छे अने जे इंजेक्शन छे तेनी बजार किंमत करता वधारे भाव में वेचवामां आवी रह्युं छे। आ मामले वडोदरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन पासे तेमना द्वारा स्पष्टता करवामां आवी हती अने वडोदरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ना प्रमुख द्वारा खुलासो आपवामां आव्यो हतो। तेमणे कह्युं हतुं के वडोदराना 1400 जेटला रिटेलरो छे तेमणे पत्र लखीने जाण करी देवामां आवी छे के 5000 रूपियानुं जे रेमडेसिविर इंजेक्शन छे ते 1680 रूपियामां वेचवामां आवे, परंतु आ मामले हवे नवो वळांक आव्यो छे। वडोदराना एक रिટેલર અને કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિએશનના સભ્ય મનીષ પટેલ દ્વારા ઘટસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો છે કે જે ઇન્જેક્શન રિટેલર પાસે પહોંચાડવાની વાત પ્રમુખ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે તે જુઠ્ઠાણું છે। વાસ્તવમાં રિટેલરો સુધી આ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનો જથ્થો પહોંચી જ નથી રહ્યો। તેમણે ગંભીર આક્ષેપ એ પણ કર્યો કે એસોસિએશનના જે હોદ્દેદારો છે તેઓ તેમના માનીતાઓને આ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનનો જથ્થો પધરાવી રહ્યા છે અને તેને કારણે અછત ઊભી થઈ રહી છે। તેમનું કહેવું છે કે જે રિટેલરો છે તેમના સુધી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન પહોંચાડવામાં આવે, આ ઉપરાંત વડોદરા શહેર માટે જે રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન જથ્થો પહોંચાડવામાં આવે છે એ એસોસિએશનના સભ્યો અને કેટલાક માનીતા જે રિટેલરો છે તે વડોદરા શહેરની બહાર પધરાવીને કાળા બજાર કરી રહ્યા છે, તેઓ ખુલ્લો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે। એટલે રેમડેસિવિર બાબતે જે સવાલો ઊભા થયા હતા તેને લઈને હવે નવો ઘટસ્ફોટ વડોદરા કેમિસ્ટ એન્ડ ડ્રગિસ્ટ એસોસિએશનના સભ્ય દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। જી અમિત, તો સમગ્ર વિગત આપવા બદલ આપનો આભાર। તો જે રીતે વડોદરામાં રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનને બારોબાર પધરાવવાનું મામલું છે તે સામે આવ્યું છે।